हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका वॉच टाइम कम क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैं ये वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, बट कई सारे बंदों की ये क्वेरी आ रही है कि सर हमारा वॉच टाइम कम क्यों हो रहा है, क्या ऐसे रीजन है, हम क्या ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं अपने चैनल पे जिसकी वजह से हमारा दिन पर दिन वॉच टाइम कम होता जा रहा है। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपका चैनल मॉनेटाइजेशन ऑन होगा तो तभी होगा जब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, काफी सारे बंदों के ये डाउट है और ये डाउट आज मैं आपको क्लियर करके रहूंगा। दोस्तों, आपका चैनल चाहे 2010 में बनाओ, 12 में बनाओ, 5 में बनाओ, 18 में बनाओ, 19 में बनाओ, कभी भी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि लास्ट 365 डे में आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब 240000 मिनट आपके पास होने चाहिए। इसमें लास्ट 366 डे भी हो गए तो वो वाला वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अब यहीं पे बात समझने की है कि काफी लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो वॉच टाइम है वो कम हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये यूट्यूब ने कहीं पे भी नहीं लिखा है, अगर आपकी वीडियो को कोई 30 सेकंड से पहले देख के जाता है आपका व्यू भी बढ़ जाता है और आपका वॉच टाइम भी बढ़ जाता है। बट वाईटी उसको क्या करता है कि उसको कंसीडर नहीं करता। इसका मतलब यह है कि वो उसको नहीं जोड़ता। दोस्तों, इस वजह से हमारा जो WT है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा तरीका जिसकी वजह से आपका वॉच टाइम जो है कम हो जाता है। दोस्तों, सब कुछ समझाने के लिए आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं गया हूँ अपने प्रोफाइल पे और ये है मेरा क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है एनालिटिक्स, इस पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट है लास्ट 20 डेज, ठीक है। 28 डेज में मेरा वॉच टाइम कितना है, 18615, और मेरा वॉच टाइम क्या है, घट रहा है, ठीक है। आज आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि मेरा वॉच टाइम घट रहा है, तो ये प्रॉब्लम आज मैं आपकी दूर कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट 28 डेज, ठीक है। इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा और यहां पे लास्ट 365 डे पे मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि लास्ट 365 डेज यहां पे आ गया है और मई 12 से लेके मई 11 तक ये इसने टाइम दिखाया है और यहां पे वॉच टाइम कितना है, 210000। इसका मतलब है कि मेरा 30000 मिनट अभी बाकी है, नहीं तो मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, मोनेटाइजेशन ऑन होगा। अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं, लाइफ टाइम का मतलब आज तक मेरे चैनल पे कितना वॉच टाइम आया, तो लाइफ टाइम पे मैं क्लिक कर देता हूं, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि मेरा जो वॉच टाइम है वो 352000 है, यानी कि 240000 से मतलब देख सकते हो कितना ज्यादा है, फिर भी मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, इसलिए आपका जो वॉच टाइम है वो घटता है। अब भी आप नहीं समझोगे, तो इसलिए मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे बना रखी है लास्ट 365 डे। ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है जिससे कि आपको मैं समझा सकूं। आज तारीख है 14 मई 2019, ठीक है, और अगर मैं एक साल की डिटेल निकालूं तो 13 मई से लेके 14 मई तक इस तरह डिटेल निकलेगी। मई में मेरे इतने घंटे आए, जून में मेरे इतने आए और लास्ट में यहाँ पे 14 मई में मेरे इतने घंटे आए, ठीक है। ये टोटल मैंने काउंट कर दिए 94, यानी कि 9410 मेरे घंटे बन गए। ये कब की बात कर रहे हैं, 14 मई की। अगर सपोज करो मैं अगले महीने में जाता हूं, यानी कि 14 जून को चला जाता हूं, अब हम 14 जून में आ गए सपोज करो, यानी कि मान लीजिए आप, अब क्या हुआ, समझने वाली बात यह है कि जो मई का महीना था और जो मई के घंटे थे वो यहां पे नहीं जुड़ने के, तो ये यहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, वो नहीं जुड़ने के। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि जून में खड़े हैं तो जून से स्टार्ट होगा और अगली जो जून है, जून 18 से लेके और जून 19 तक, 2019 तक जुड़ेंगे, तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे जून से जून स्टार्ट होता है और जो मई का महीना होता है ना, ये वाला मई का महीना, ये आपका लैप्स हो जाएगा और यहां पे आपका जून जुड़ जाएगा। अब यहां पे आप देख लीजिए डिफरेंस, इस साइड जो है ना, यहां पे मई, यहां पे जून नहीं जुड़ा और इस साइड जून जुड़ गया। इसका मतलब यह है कि आपका पिछला महीने लैप्स होता रहता है और अगले महीने आपके जुड़ते रहते हैं। अगर यहां पे आप देखें लास्ट 365 डे में आपके जो घंटे हैं वो इतने आ गए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि घंटे किस वजह से कम होता है, तो यहां पे जो 250 घंटे हैं ये मई के नहीं जुड़े क्योंकि हमारे जून के जुड़ गए और जून में हमारी परफॉर्मेंस कितनी थी, वो थी 10 घंटे। अगर यहां पे हमारे 2000 घंटे हो जाते तो हम तो इससे बढ़ जाते ना, इससे आगे हम बढ़ जाते, बट हमारे तो यहां पे ओनली 10 घंटे ही आए, तो इसके बाद हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वीक रही जून में, तो इस वजह से हमारा जो वॉच टाइम है वो घट गया। तो यहां पे वाईटी की गलती नहीं है, नहीं, हमारी गलती है, हमारी परफॉर्मेंस की गलती है। तो हमारे जो
वॉच टाइम अगर यहाँ बढ़ जाता तो हमारा यहाँ पे भी बढ़ जाता, तो इसलिए आप हमेशा बोलते रहते हो कि WT कम हो गया कम हो गया। एक्चुअली में WT YT कम नहीं करता है, वो आपको लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।